स्टूडेंट वेलकम बैक टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल इंग्लिश मीडियम। माय नेम बिंदु पंड्या। टुडे आई एम टीचिंग। तो बच्चों, हमारा चैप्टर स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट हो गया है। मैंने आगे भी आपको लेक्चर में ये कहानी आपको सुनाई थी। कौन सा है हमारा चैप्टर 9? कब आओ। हमारी स्टोरी क्या है आपको भी मालूम है बच्चों। तो आपको बुक ओपन रखना है और कहानी आप मेरे साथ आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। तो फिर से हम कहानी रिवाइज कर लेते हैं। क्या था हमारा चैप्टर कब आओ? उसमें एक अवंती नाम का एक लड़का है और इसने क्या खोल के रखा था अपनी शॉप पे? रंगाई की। इसमें जो कपड़ा होता है इसमें कलर करते हैं लोग, और इसमें जो गाँव वासियों थे उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। किसकी? अवंती की। और उसके बाद जो उसके सामने जो वो एक सेठ रहता था उसको क्या था? बहुत ईर्ष्या आ रही थी। तो बच्चों, यहाँ आपको पिक्चर में देखना है, यह सारे कपड़े हैं अलग अलग कलर के, इसमें रंगाई करते हैं, और इसमें सेठ, ए सेठ है और ए अवंती है, और दोनों में आपस में बात होती है, वही आपको पिक्चर में बताया है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ से स्टोरी बताई थी, हमारे यहाँ से स्टोरी बाकी है, तो यहाँ से हम कंटिन्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक मैंने बताया था, जैसे फिर से एक बार आपको बता दूँ, जैसे वो सेठ था अवंती को क्या करना चाहता था, परेशान करने के लिए सेठ ने क्या किया, एक टुकड़ा लेके अवंती के दुकान में जा पहुंचा। कौन? वो सेठ। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती जरा एक कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आया हूँ। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आगे के लेक्चर में आपको बताया था, अवंती को परेशान करने के लिए सेठ एक कपड़े का टुकड़ा लेके और उसके पास आता है और उसकी प्रशंसा करता है और बोला, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी बच्चों स्टार्ट है। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो? तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, अवंती ने जो सेठ जी उसके पास जो कपड़े का टुकड़ा लेके आए थे तो उसको बोला, एक कपड़े का टुकड़ा लेके आए हो, आप किस रंग में रंगवाना चाहते हो? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है ही नहीं। उसके बाद क्या बोला सेठ ने, कौन सा रंग? सेठ ने कहा, रंग? ऐसे क्वेश्चन मार्क, यह देख लो कैसे क्वेश्चन किया है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है ही नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग की कतई अच्छे नहीं लगते। उसने क्या किया उसके बाद, ए सेठ ने अवंती के पास तो चला गया, बाद में अवंती को सेठ को पूछा, आपको एक कपड़ा कौन से रंगाई से रंगना है? तो उसने क्या जवाब दिया, पहले तो सेठ ने बोला, सेठ ने क्या कहा, रंग? कैसा रंग? वो तो अपने परेशान ही करना था, तो उसने ये पूरे सारे कलर के नाम दे दिए। तो ये पूरे कलर के नाम आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों आपको देखो, आपको कैसे लिखते हैं वो भी आपको याद रखना है, और उसके नीचे आप लाइन भी कर सकते हो क्योंकि आपको याद रहे।
जैसे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। जैसे ये पूरे रंग के नाम दिए उसने, पर ये पूरे रंग मुझे अच्छे नहीं, जैसे कतई अच्छे नहीं लगते, जैसे मुझे ये पूरे रंग अच्छे लगते नहीं हैं। उसके बाद समझो कि नहीं, उसके बाद क्या बोला, एक कतई रंग मुझे अच्छे लगते नहीं लगते, समझो कि नहीं, उसको ऐसे प्रश्न करता है सेठ अवंती को, ये पूरे रंग मुझे पसंद नहीं है, समझो कि नहीं। उसके बाद अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर लूँगा। उसके बाद उसने क्या बोला, मैं पूरे समझ गया हूँ, आपको ये पूरे जितने भी रंग के नाम दिए थे उसने कतई उसको पसंद नहीं थे। उसने क्या किया, उसने पूरे रंग के नाम दिया, जैसे हरा, लीला, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, आसमानी, काला, ये पूरे रंग के नाम दिया, पर उसने लास्ट में क्या कैसे किया, मुझे कतई अच्छे लगते नहीं हैं। बाद में अवंती ने जवाब दिया, समझ गया, उसकी जो चालाकी थी सेठ की, जो अवंती की है, वो समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया, मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। उसके बाद भी अवंती ने क्या बोला, अच्छा मैं पूरी समझ गया, उसके बाद आपकी मैं रंगाई कर लूँगा। अवंती ने सेठ का मसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। उसके बाद अवंती ने क्या किया, वो सेठ जो कपड़ा लेके आए थे, वो कपड़ा उसका उसने क्या कर लिया, उसका ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो उसे लेने में किस दिन आऊँ। उसके बाद उसने क्या कर दिया, अवंती ने एक कपड़ा तो ले लिया और उसने बहुत होशियार था, तो अवंती ने क्या बोला सेठ को, सेठ ने खुश होकर क्या बोला, एक कपड़ा लेने में कब आऊँ। अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। उसके बाद उसने क्या किया, सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा है, उसके पास से अवंती ने कपड़े ले लिया और उसने बोला, एक कपड़ा लेने में कब आऊँगा। किसने बोला, वो सेठ ने उसको अवंतिका बोला, एक कपड़ा लेने में कब, तो उसने पूरे वार के नाम ले, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे हिंदी में दिए गए नाम है पूरे। तो उसने बोला, जैसे उसने कलर के नाम दिए थे, एक कलर मुझे कतई अच्छे नहीं लगते हैं, उसके सिवाय कलर करना है, और ऐसे ही उसके ही लैंग्वेज में उसने ऐसे ही जवाब दे दिया अवंती ने। सेठ ने तो बोला, ए मैं कपड़े लेने कब आऊँ, पर उसने पूरे वीक का नाम बोल दिया, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो, ये पूरे वीक के नाम दे दिए, ये छोड़ के आप कभी भी दिन आ सकते हो। तो बच्चों समझ में आता है ना, उसने जैसा भी बोला था ना, ऐसे ही उसके सामने उसने ऐसे ही आंसर दिया, उसने वो कलर के नाम दिए थे, मुझे ये सारे कलर अच्छे नहीं लगते हैं,
सेठ को अवंती को परेशान ही करना था। तो अवंती क्या थी? उसकी चालाकी। वो अवंती नाम का लड़का भी उसकी चालाकी समझ गया था। उसके बाद देखो बच्चों, सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। अंतः बलाई धीरे से खिसक लेने में ही फिर उसी सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद उसने क्या किया, जैसे सेठ ने अवंती को परेशान करना था ऐसे ही उसकी ही लैंग्वेज में उसने बोल दिया, आपको ए बार छोड़कर आप कभी भी दिन आ सकते हो। लास्ट में सेठ क्या गया, वो अवंती को भी समझ गया क्योंकि वो उसकी चालाकी समझ गया था और उसने यहाँ से चले जाने में ही उसकी भलाई है। तो R.S. त्रिपाठी, उसके लेखक कौन है? R.S. त्रिपाठी, हमारी एक कहानी जिसने बनाई है उसके लेखक का नाम है। तो बच्चों आपको एक कहानी पसंद आई होगी, तो आपको एक कहानी आपको कंपलसरी लर्न करना है और समझना है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। थैंक यू।